नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कंसर आज के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था आईसी इंजन, जिसको क्रमबद्ध पढ़ते हुए हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या एसआई इंजन। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक डीजल इंजन या सीआई इंजन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं डीजल इंजन क्या होता है, या डीजल इंजन को हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोलते हैं, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। हमें किसी भी इंजन की अगर वर्किंग पढ़नी है तो उस इंजन को वर्किंग करने के लिए कुछ प्रोसेसेस कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें पहला प्रोसेस था सक्शन, कंप्रेशन और एक्सपांशन, या इसको पावर भी बोलते हैं, या लास्ट वन जो था वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तीन चारों जो प्रोसेस है उनको कंप्लीट करवाने के लिए फोर स्ट्रोक में क्या होता है, चारों स्ट्रोक क्या थे या चारों स्ट्रोक या चारों प्रोसेस सेपरेटली हो रहे थे, बट यहाँ टू स्ट्रोक जो इंजन बनाया है उसमें दो दो स्ट्रोक एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो, फोर स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के चार स्ट्रोक कंप्लीट हो रहे थे, जैसे टीडीसी से बीडीसी एक स्ट्रोक, बीडीसी से टीडीसी सेकंड स्ट्रोक, वापस टीडीसी से बीडीसी थर्ड स्ट्रोक एंड बीडीसी से टीडीसी फोर्थ स्ट्रोक। तो यहाँ पे क्या है, टू स्ट्रोक इंजन में केवल दो स्ट्रोक कंप्लीट हो रहे हैं, जब पिस्टन टीडीसी से या तो बीडीसी मूव करेगा या बीडीसी से टीडीसी मूव करेगा। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है टू स्ट्रोक डीजल इंजन, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की वर्किंग लगभग सेम है, इसमें कोई भी ज्यादा चेंज नहीं है। यहाँ केवल एक जो चीज कंस्ट्रक्शन डिफरेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि टू स्ट्रोक जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें तो स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे ये चीज क्या लगी हुई, यहाँ पे ये लगा हुआ फ्यूल इंजेक्टर, बस बाकी सब कुछ चीजें सेम ही है। जैसे हमने वर्किंग पढ़ चुके हैं टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी। हम पहले भी फोर स्ट्रोक, जब हमने फोर स्ट्रोक डीजल इंजन डिस्कस किया था वहां हम पढ़ चुके हैं, जब आपका सक्शन होता है तो डीजल इंजन में केवल हम क्या करते हैं, एयर का सक्शन करवाते हैं, और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक हम क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से फ्यूल को इंजेक्ट करवाते हैं, और फ्यूल जैसे ही हाई टेम्परेचर एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो फ्यूल इग्नाइट हो जाएगा और फ्यूल का एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में फोर स्ट्रोक जहां पढ़ा था वहां, यहां सिंपली अपन वर्किंग समझते हैं। तो सिमिलरली जैसे पेट्रोल इंजन की वर्किंग समझी थी वैसे ही हमको यहां पर डीजल इंजन की वर्किंग समझनी है। तो यहां पे जो वर्किंग समझेंगे उसमें केवल दो ही चीजें हैं, एक तो डाउनवर्ड स्ट्रोक और दूसरा जो स्ट्रोक है वो है अपवर्ड स्ट्रोक। तो यहाँ जो इंजन की वर्किंग अगर अपन समझने की कोशिश करें, जैसा हम पेट्रोल इंजन में पढ़े थे सिमिलरली उसी तरीके से पढ़नी है, बस यहाँ पे जब सक्शन स्ट्रोक होगा वहां पे हमको एयर को अंदर लेनी है, वहां पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है। सिमिलरली जहां पर स्पार्क कर रहे थे पेट्रोल इंजन में वहां हमको क्या करना है, यहाँ पे फ्यूल का इंजेक्शन करवाना है। तो देखो क्या हो रहा है, देखो सपोज करो माना कि मेरा जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर पोजीशन पे, ठीक है, तो यहाँ पे जब कंप्रेस्ड एयर पड़ी हुई है, यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, कंप्रेस्ड एयर पड़ी हुई है। जब कंप्रेस्ड एयर है जैसे पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा या टीडीसी से थोड़ा सा पहले हम क्या कर देते हैं, जो फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल को क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा। जब फ्यूल हाई प्रेशर फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट होता है तो सडनली जब हाई टेम्परेचर एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो फ्यूल क्या हो जाता है, सेल्फ इग्नाइट हो जाता है। जब फ्यूल सेल्फ इग्नाइट होगा तो पिस्टन के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। ये फोर्स क्या करेगा, पिस्टन को क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है। सिमिलर चीज अब यहाँ क्या शो किया मैंने, पिस्टन टीडीसी की तरफ जाता हुआ शो किया है, इधर शो किया मैंने टीडीसी की तरफ जाता हुआ शो किया है, ठीक है। तो जब पिस्टन टीडीसी की तरफ जाता है तो ये क्या करता है, जब पिस्टन सपोज करो यहाँ था, ये मूव होना ऊपर की तरफ शुरू हुआ, तो पिस्टन जब टीडीसी की तरफ जाने वाला होता है तो यहाँ पे जो इनलेट पोर्ट है वो ओपन हो जाता है। ड्यूरिंग दैट टाइम ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इनलेट पोर्ट ओपन होगा तो इस जो कंबस्ट जो क्रैंक केस है इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो क्या होगा, एयर फिल्टर से जो एयर है वो किसके अंदर आ जाएगी, क्रैंक केस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो एयर कहां आके ठहरी हुई, क्रैंक केस के अंदर आ गई। अब पिस्टन जैसे टीडीसी पे पहुंचा, मैंने क्या कर दिया, यहां पे फ्यूल इंजेक्ट करवा दिया, फ्यूल इंजेक्ट करवाया, तो फ्यूल जैसे इंजेक्ट होगा तो हाई टेम्परेचर एयर के कॉन्टेक्ट में आया, मानो कि अभी अंदर एयर पड़ी हुई है, अब एयर वहां कैसे दी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हाई टेम्परेचर एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो जैसे ही फ्यूल कॉन्टेक्ट में आएगा फ्यूल इग्नाइट होगा तो पिस्टन को फोर्स लगाएगा, पिस्टन को फोर्स लगाएगा तो पिस्टन क्या करेगा, डाउनवर्ड मोशन करने शुरू होगा। यही से अपनी वर्किंग शुरू होती है, डाउनवर्ड स्ट्रोक और अपवर्ड स्ट्रोक। तो अपन जब
जब टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन की वर्किंग पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे दो स्ट्रोक होते हैं, एक तो टीडीसी से बीडीसी और दूसरा स्ट्रोक होता है बीडीसी से टीडीसी। अब जैसे ही आपका गैसेस जो है पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगी तो पिस्टन है वो किधर जाने की कोशिश करेगा, बीडीसी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे पिस्टन ये पूरा डाउनवर्ड मोशन मैंने टीडीसी से बीडीसी तक जाते हुए पिस्टन का डायग्राम बनाया, तो टीडीसी से बीडीसी तक कैसे पहुंचा पिस्टन और उस बीच में क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। अब देखो, अब जैसे जैसे पिस्टन टीडीसी की तरफ जाएगा बीडीसी की तरफ जाएगा सॉरी जैसे जैसे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा वो क्या करेगा, वो सपोज करो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया था तो एयर क्या थी अंदर आ चुकी है। जब एयर अंदर आ चुकी है जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो यहाँ पे देखो फोर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, क्रैंक केस में जो एयर थी उसको कंप्रेस करेगा। टू स्ट्रोक इंजन में जो कंप्रेशन होता है वो दो पार्ट में होता है, पहला क्रैंक केस के अंदर और दूसरा होता है कंबशन चेंबर के अंदर। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन होगा पार्टली कंप्रेशन कंबशन क्रैंक केस के अंदर होगा और पार्टली कंबशन कंबशन चेंबर के अंदर होगा। कैसे होता है देखो मैं आपको समझाऊंगा। जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी की तरफ तो क्या होता है आपका जो चार्ज है वो क्या होगा आपका कंप्रेस होगा। अब उस समय देखो जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ये क्या करेगा, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका जब मैंने पेट्रोल इंजन में पढ़ा चुका हूँ, ये मेरे क्या है पोर्ट्स है, क्या है पोर्ट्स है। यहाँ पे सिंपली टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पढ़ो या डीजल इंजन पढ़ो, मैं टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन की बात करते हैं यहाँ पे जो कंट्रोलिंग हो रही है ना ओपनिंग और क्लोजिंग की, किसकी पोर्ट्स की, ये सारे क्या है पोर्ट्स है। जैसे ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये इनलेट पोर्ट है, ये ट्रांसफर पोर्ट है, इनकी जो कंट्रोलिंग हो रही है वो इस पिस्टन के मोशन से हो रही है। जो पिस्टन है ये इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। इसका जो इंपॉर्टेंट रोल किसका है यहाँ पे, सिंपली रोल है वो पिस्टन का है। यहाँ पे किसी तरह की कोई मूविंग एसेसरी नहीं है, जैसे जो फोर स्ट्रोक इंजन था वहाँ पे वाल्व मैकेनिज्म था, वाल्व को ऑपरेट करने के लिए कैम फॉलोवर बहुत सारा अरेंजमेंट था, वाल्व मैकेनिज्म था, वाल्व्स थे जो ऑपरेट हो रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, यहाँ मूविंग पार्ट्स में केवल पिस्टन कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक ये तीन ही पार्ट है, बाकी कोई मूविंग पार्ट नहीं, ठीक है। अब पिस्टन क्या करेगा आपका जैसे जैसे नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है, और आते आते जैसे पिस्टन नीचे आ रहा है एक समय ऐसा आएगा जब आपका एग्जॉस्ट पोर्ट क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। जब एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन आएगा तो जो बर्न गैसेस है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलना शुरू कर देगी, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। अब पिस्टन और नीचे आने की कोशिश करेगा और पिस्टन जैसे ही बीडीसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा, कहां पर पहुंच जाएगा बीडीसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। जब पिस्टन बीडीसी पोजीशन पर पहुंचेगा तो यहां पर जो कंप्रेस्ड एयर थी क्या थी कंप्रेस्ड एयर, वो कंप्रेस्ड एयर ट्रांसपोर्ट पोर्ट के पोर्ट से होती हुई कहां चली जाएगी कंबशन चेंबर के अंदर चली जाएगी। तो एक चीज आप समझ सकते हो, जब पिस्टन बीडीसी पर आ गया उस समय इनलेट वाल्व जो इनलेट पोर्ट है ना इनलेट पोर्ट है वो क्या है क्लोज पोजीशन में, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन है और ट्रांसफर पोर्ट भी क्या है ओपन है। आपको समझ में आ गई। तो यहां से एयर क्या करेगी पुशेस करेगी, ये जो बर्न गैसेस है उसको पुश करेगी, ये फ्रेश एयर इन बर्न गैसेस को पुश करेगी आगे से। तो एक तो वो सेल्फ अपने प्रेशर से एग्जॉस्ट से बाहर निकल गई, साथ साथ जो ये एयर है उसका भी प्रेशर क्या करेगी इन गैसेस को बाहर निकलने में मदद करेगी, आगे बात समझो। दूसरी चीज हमने ये जो शेप बनाया पिस्टन का इसको बोलते हैं क्राउनिंग या डिफ्लेक्टर टाइप शेप बोलते हैं। ये क्या करता है जो एयर है इसकी जो डायरेक्शन है उसको किस तरफ मोड़ता है पिस्टन के ऊपर की तरफ मोड़ देता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपन चाह रहे हैं जो एयर है वो इंजन के अंदर ही रहनी चाहिए, ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सपोज करो मैंने इसका पिस्टन फ्लैट बना दिया, क्या बना दिया फ्लैट बना दिया, तो ये एयर यहाँ से आएगी और सीधी किधर निकल जाएगी एग्जॉस्ट पोर्ट से होते हुए बाहर निकल जाएगी। हमको उस एयर को कंट्रोल करना है, एक टाइम चाहिए, उस टाइम के लिए अपन ने क्या किया इस तरह का पिस्टन का शेप बनाया। ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो हुआ क्या टोटल डाउनवर्ड मोशन में, क्या हुआ डाउनवर्ड मोशन में देखो, एक तो एक्सपांशन हुआ, ये एक्सपांशन हुआ, साथ साथ थोड़ा कंप्रेशन क्रैंक केस के अंदर हुआ, ठीक है। साथ ही साथ जैसे ही पिस्टन बीडीसी में पहुंचा तो ट्रांसफर भी हुआ और एग्जॉस्ट भी हुआ, ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रोक होता है वो है पिस्टन का अपवर्ड मोशन। अब अपवर्ड मोशन में क्या था, अब मान लो पिस्टन बीडीसी पे आ गया, अब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है तो क्या होता है, देखो पिस्टन यहाँ पे है, जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ट्रांसफर पोर्ट को बंद कर देगा, ठीक है। ट्रांसफर पोर्ट बंद होगा ये जैसे यहाँ पे शो कर रखा है, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट को भी बंद करेगा, और उसी समय
उसी समय क्या हो, अब जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो गया। अब यहाँ जब वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो गया तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उस समय क्या होगा, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों क्लोज हो जाते हैं। क्लोज कौन करता है, पिस्टन करते हैं, और उसी समय इनलेट पोर्ट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे इनलेट पोर्ट ओपन होता है तो यहाँ पे ऑलरेडी वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, तो ये जो एयर है वो सेल्फ प्रेशर से क्या हो जाती है, आपकी अंदर आ जाती है एयर फिल्टर से होते हुए। तो इस तरीके से तो एयर अंदर आ गई और जो चार्ज जो एयर यहाँ आई थी है ना, तो अपन ने कहा था पार्टली कंप्रेशन तो किसके अंदर हुआ, क्रेन केस के अंदर हुआ, और बाकी कंप्रेशन किसके अंदर होगा, बाकी कंप्रेशन कंबशन चैम्बर के अंदर। तो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर मूव करेगा ट्रांसफर पोर्ट बंद हो गया, एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो गया, तो उसके बाद क्या होता है जो एयर है वो कंप्रेस होना शुरू होगी, तो उससे उसका प्रेशर और ज्यादा राइज होगा। जैसे ही प्रेशर और टेम्परेचर उसका कंप्रेशन की वजह से राइज होता है, और जब टीडीसी पे पहुंचने वाला होता है पिस्टन, टीडीसी पे पहुंचने वाला था, और हम क्या करते हैं फ्यूल का इंजेक्शन करते हैं। जैसे फ्यूल के कॉन्टेक्ट में वो हाई टेम्परेचर एयर कॉन्टेक्ट में आएगी तो क्या करेगी, फ्यूल का इग्निशन होगा या फ्यूल का कंबशन होगा, और फ्यूल का कंबशन होते वो क्या करेगी, सडनली प्रेशर राइज होगा और वो बर्न गैसेस जो हाई प्रेशर गैसेस है वो पिस्टन पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी अगस्त में। तो इस तरीके से वापस नेक्स्ट स्ट्रोक शुरू हो जा रहा है जिसको डाउनवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं, और अपन ने जैसे डिस्कस किया बीडीसी से टीडीसी जिसको अपन अपवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ डायग्राम बना रखा है जिसमें मैंने शो कर रखा है सक्शन कैसे होता है, इग्निशन कैसे होता है, एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, कंप्रेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर और एग्जॉस्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डायग्राम है। यहाँ पे एक और चीज समझ सकते हो आप, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पेट्रोल इंजन में स्केवेंजिंग क्या होती है। स्केवेंजिंग एक सिंपली टर्म है आपकी, वो क्या करती है आपकी जो फ्रेश चार्ज है उसकी हेल्प से, जो फ्रेश एयर है उसकी हेल्प से अगर अपन जो बर्न गैसेस है उसको पुश आउट कर रहे हैं या बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है, स्केवेंजिंग कहलाता है, ठीक है। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की वर्किंग लगभग सेम है, चाहे मैं एसआई इंजन या सीआई इंजन बोलूं, यहाँ सिंपली डिफरेंस आ जाता है वो है कंस्ट्रक्शन में। यहाँ फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ, वहां पे क्या लगा हुआ, स्पार्क प्लग लगा हुआ। दूसरी चीज एक बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं सक्शन के टाइम पे ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केवल एयर ले रहे डीजल इंजन में, वहीं पेट्रोल इंजन में हम क्या करते हैं एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, यहाँ पे क्या है टू स्ट्रोक इंजन क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे दो ही स्ट्रोक है, दो स्ट्रोक में आपका पावर आपको मिल गई, हर स्ट्रोक में पावर मिल गई, मतलब क्या होगा देखो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव किया, बीडीसी से टीडीसी मूव किया, ठीक है। और मेरा जो क्रैंक है उसने कितने चक्कर लगाया, उसने एक चक्कर लगाया, मतलब हर एक चक्कर में आपको पावर मिल रही है, क्या मिल रही, हर एक चक्कर में एक पावर मिल रही। तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, टू स्ट्रोक ऑफ पिस्टन एंड वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रैंक का एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है और पिस्टन के दो स्ट्रोक कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टू स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं। आप अच्छे से समझ पाए होंगे, तो हमने जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया कि टू स्ट्रोक डीजल इंजन या सीआई इंजन की वर्किंग पढ़ने की कोशिश करी, जिसको हमने एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करी कि एक पिस्टन का डाउनवर्ड मोशन समझा और पिस्टन का अपवर्ड मोशन समझा, साथ ही साथ एक कंक्लूजन निकाला। तो दो स्ट्रोक जो पिस्टन है आपका टू स्ट्रोक पिस्टन, वो क्या कर रहा है पिस्टन के दो स्ट्रोक कंप्लीट कर रहा और जो मेरे क्रैंक है वो एक रिवॉल्यूशन करने की एक रिवॉल्यूशन रोटेट होते हैं, जिसमें मुझे मिलता है क्या है एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है, क्या मिल रहा है, और हर रिवॉल्यूशन में क्रैंक के हर रिवॉल्यूशन में मुझे क्या मिलेगी पावर मिलेगी। आशा करता हूँ आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।